हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्सिनफोमेनिया। सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में एंड दैट इज सेंट बर्नार्ड। सेंट बर्नार्ड जो कि एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है और जिसको एज अ वर्किंग एंड रेस्क्यू डॉग्स यूज किया जाता था इन द पास्ट। तो सारी डिटेल इस डॉग की आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे आपके सामने रखूंगा ताकि इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय अ सेंट बर्नार्ड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस डॉग ब्रीड के ओरिजिन की बात करें, ये डॉग ब्रीड 1880s में डेवलप की गई थी बाय द हॉस्पिस ऑफ द ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। ये एक ऐसी जगह है जो कि इटालियन एंड स्विस बॉर्डर के बीच की जगह है और वहाँ पे इस डॉग ब्रीड को डेवलप करने का मकसद ये था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है, बहुत कोल्ड एरियाज़ हैं और वहाँ पे बर्फ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए इस डॉग ब्रीड को यूज़ किया जाता था। दिस इज़ द रीज़न सेंट बर्नार्ड को एज अ वर्किंग एंड रेस्क्यू डॉग कहा जाता है। 1833 में अ मैन नेम्ड डैनियल विल्सन, उस बंदे ने इस डॉग ब्रीड का नाम सेंट बर्नार्ड सजेस्ट किया और वहाँ से इस डॉग ब्रीड का नाम सेंट बर्नार्ड रख दिया गया बाय द स्विस केनल क्लब। और इस डॉग ब्रीड को रिकग्नाइजेशन मिली इन 1880 जब स्विस केनल क्लब ने इस डॉग ब्रीड को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कर दिया एज द नेम ऑफ सेंट बर्नार्ड डॉग। सेंट बर्नार्ड एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 26 to 30 inches टॉल और इसका जो वेट है दैट कैन बी अराउंड 70 to 80 kg। ये डॉग ब्रीड छोटे घरों में आप नहीं रख सकते, अपार्टमेंट्स में नहीं रख सकते, लेकिन जो इसकी गुड न्यूज़ है वो ये है कि दिस डॉग ब्रीड कैन ईजिली बी केप्ट बाय फर्स्ट टाइम ओनर्स। अगर आपने कभी डॉग नहीं रखा या आपको डॉग्स रखने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल टू आप सेंट बर्नार्ड को ईजिली अपने साथ रख सकते हो। उसका रीज़न ये है दे आर ईजी टू हैंडल और इनको हैंडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। दिस डॉग ब्रीड इज़ हाईली इंटेलिजेंट, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड दे आर वेरी ईजी टू ट्रेन एज वेल। इनको आप अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, लेकिन जो सैड पार्ट है वो ये है कि सेंट बर्नार्ड को आप गार्डिंग करना नहीं सिखा सकते, दे आर वेरी बैड एट इट। सेंट बर्नार्ड गार्डिंग नहीं कर सकता, दे आर नॉट गुड गार्ड डॉग्स और इवन दे आर नॉट गुड वॉच डॉग्स एज वेल। तो सेंट बर्नार्ड को ये चीज़ें सिखाना कि आपके घर की प्रोटेक्शन करें या सिक्योरिटी में आपका साथ दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेंट बर्नार्ड इस चीज़ में बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगा। ये डॉग ब्रीड आपकी फैमिली में इजीली एडजस्ट कर सकता है, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ या एडल्ट्स के साथ इजीली एडजस्टेबल है क्योंकि इस डॉग ब्रीड को हिस्ट्री में एज अ वर्किंग डॉग एंड एज अ रेस्क्यू डॉग यूज़ किया गया था। तो एग्रेसिवनेस इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, एग्रेशन बिल्कुल नहीं होता और ये बहुत सिंपल तरीके से आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाते हैं लाइक द वे यू आर। सेंट बर्नार्ड को डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है लेकिन काफ़ी कम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, इसलिए इनको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको वॉक करवाना भी छोड़ दो, इनको डेली सुबह और शाम वॉक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज सेंट बर्नार्ड ओवरवेट हो जाता है एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड योर डॉग एज वेल। इस डॉग ब्रीड का बार्किंग लेवल बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स और बहुत कम सेंट बर्नार्ड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भौंकते हैं। मोस्टली सेंट बर्नार्ड्स को सुकून में रहना पसंद होता है। अगर इस डॉग ब्रीड के ड्रूलिंग अमाउंट की बात करें तो सेंट बर्नार्ड का ड्रूलिंग अमाउंट काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स क्योंकि ये एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है, काफ़ी हैवी होती है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और फेस भी काफ़ी ज़्यादा मसल होता है, हैवी फेस होता है, जिसकी वजह से इसकी ड्रूलिंग अमाउंट काफ़ी हाई होती है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद देन दिस डॉग ब्रीड इज़ नॉट द ब्रीड फॉर यू। सेंट बर्नार्ड एक लॉन्ग कोट की डॉग ब्रीड है तो इसको डेली ग्रूमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको इसको डेली ग्रूम करना पड़ेगा, बट दे आर ईजी टू ग्रूम। लेकिन अगर शेडिंग की बात करें तो सेंट बर्नार्ड सीजनली शेड करता है, हर सीज़न में शेडिंग नहीं करता, एक सीज़न आता है सेंट बर्नार्ड का जिसमें वो शेडिंग करता है। सो दिस इज़ द रीज़न दिस डॉग ब्रीड इज़ ईजी टू ग्रूम। अगर इस डॉग ब्रीड के कलर्स की बात करें तो सेंट बर्नार्ड्स आर इन डिफरेंट कलर लाइक रेड, ब्राउन, चॉकलेट एंड लिवर और इनका जो कलर पैटर्न होता है वो बाई कलर होता है, ये हमेशा दो शेड्स में पाए जाते हैं या 2 to 3 shades में पाए जाते हैं। अगर इस डॉग ब्रीड के लॉयल्टी टेंडेंसीज के बारे में बात करें तो इनकी टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, अपने ओनर के साथ बहुत लॉयल होते हैं और अपनी लॉयल्टी को ईजिली नहीं तोड़ते। दिस इज़ द रीज़न हिस्ट्री के अंदर इतना ईजिली इनको रेस्क्यू मिशंस के लिए और एज अ वर्किंग डॉग यूज़ किया जाता था, इसी वजह से क्योंकि इस डॉग ब्रीड की लॉयल्टी टेंडेंसीज बहुत हाई थी। सो गाइस अब बात करते हैं इस डॉग ब्रीड के प्रॉब्लम्स की। सेंट बर्नार्ड में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है दैट इज़ वेट गेन। सेंट बर्नार्ड को अगर आप बहुत ज़्यादा खाना देते जाओगे और सुबह शाम वॉक नहीं करवाओगे तो इनका वेट बहुत तेज़ी से गेन होने लग जाएगा और उसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं उसकी हेल्थ से रिलेटेड। इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि सेंट बर्नार्ड अपनी लाइफ स्पैन से पहले ही एक्सपायर हो जाए। अगर ये ज़्यादा ओवरवेट हो जाए तो इनको हार्ट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट बर्नार्ड का लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स।
ये मोस्टली 8 से 10 साल तक जिंदा रहते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन इज 8 टू 10 ईयर्स। अगर इस डॉग ब्रीड की कॉस्ट के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर एक टॉप नॉच क्वालिटी का सेंट बर्नार्ड विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000 to 50,000। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस डॉग ब्रीड की कॉस्ट होगी 1 लाख से लेकर 2 लाख तक, एक टॉप नॉच क्वालिटी का विद डॉक्यूमेंटेशन। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।